नशे पर लगाम लगाते हुए दुर्ग पुलिस ने की कार्यवाही, वहीं नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नशे के कारोबार में लिप्त देवेंद्र उर्फ देवा निषाद को घेराबंदी कर धर दबोचा। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट दुर्ग एवं थाना दुर्ग की संयुक्त कार्रवाई में ACCU टीम की सूचना पर दुर्ग में सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय के पास सारथी पाया दुर्ग के आसपास नशीली दवाइयों को बेच रहा है, जिसकी जानकारी लगते ही दुर्ग पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी देवेंद्र उर्फ देवा निषाद निवासी मिल पारा दुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 1665 नग नशीली अल्फा जोलम टेबलेट बरामद की गई। इस टेबलेट की अनुमानित कीमत लगभग 1,20,000 रुपए बताई गई है। इस संबंध में दुर्ग CSP मणिशंकर चंद्रा ने जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नशीली दवाइयों के प्रति मुहिम चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में हमको पता चला कि थाना कोतवाली के अंतर्गत साथी पारा में कुछ व्यक्तियों के द्वारा नशीली दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है, जिस पर साइबर और कोतवाली की दो संयुक्त दोनों की संयुक्त टीम बनाकर वहां पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें नशीली दवाइयां बरामद हुई और एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। हमें अभी उसमें पूछताछ की जा रही है, अगर इसमें और किसी का संदिग्धता आती है तो उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।